तो ये बिगिनर्स के लिए ये वाली वीडियो बहुत सही होने वाली है गाइस। तो जो जितने भी बिगिनर्स हैं या फिर जितने भी जिम में जाने वाले हैं या फिर जिम में जाने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत सही होने वाली है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बड़ों को प्रणाम और छोटों को राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बिल्कुल हम सबकी तरह। और तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल टू व्हील्स राइडर में। आज की वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, वो मैं बेंच प्रेस के ऊपर बनाने वाला हूँ। बेंच प्रेस का पोस्चर आप लोगों को कैसे रखना है, ये आइडिया दोस्तों मेरे दिमाग में कैसे आया, यहाँ पर मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया अपने जिम में, तो कई लोग बहुत ज़्यादा गलत तरीके का यूज़ कर रहे थे गाइस, वो गलत टेक्निक यूज़ कर रहे थे बेंच प्रेस करने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये अगर इन लोगों को नहीं पता है तो बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को बेंच प्रेस बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे ग्रिप पकड़नी है और कैसे आपका पोस्चर होना चाहिए और सारी चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग बेंच प्रेस से। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको बेंच प्रेस में कैसे लेटना है। बेंच प्रेस में लेटने टाइम गाइस क्या होना चाहिए, आपका जो चेस्ट है गाइस वो ऊपर होना चाहिए और आपके यहाँ पर गैप मेंटेन होना चाहिए और जो पैर हैं गाइस वो आपके बॉडी के थोड़ा इस टाइप से आना चाहिए। आपका पोस्चर ये वाला होना चाहिए दोस्तों, इस टाइप से आपके यहाँ पर गैप देख सकते हो गाइस, मेरे यहाँ पर गैप बन रहा है, इस टाइप से गैप मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि आप लोगों को बेंच में लेटना कैसे है, तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको ये ग्रिप पकड़नी कैसे है। तो ग्रिप में क्या होना चाहिए गाइस, जो आपका ये हैंड है ना गाइस, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी कलाई ना ऐसे होनी चाहिए ना ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कलाई ऐसे होगी तो गाइस आपका स्ट्रेस यहाँ पर आएगा। तो स्ट्रेस बिल्कुल 90 डिग्री रखना है ताकि पूरा जो फोर्स है गाइस वो ये परपेंडिकुलर यहाँ से जाए। तो हमें ऐसे अपनी ग्रिप पकड़नी है ऐसे करके, और जो बारबेल है गाइस वो यहाँ पर नहीं रखना है, इस जगह में अपने को बारबेल नहीं रखना है, बारबेल रखना है हमें इस पोजीशन में ताकि हम लोगों का हाथ ऐसे ही रहे। अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, जो ये ग्रिप है ये कैसे पकड़नी है, ये जो हमारे शोल्डर है गाइस, शोल्डर के बराबर में हमारी ग्रिप आनी चाहिए, हमारे हैंड उस टाइप में आना चाहिए, ना ज्यादा वाइड होना चाहिए और ना ज्यादा क्लोज होना चाहिए दोस्तों। तो ये देखिए, पास से आप क्लोज करके देख सकते हो आप लोग ग्रिप कैसे पकड़ोगे, तो इस टाइप से ये देखो गाइस। तो ये देखो दोस्तों, बिल्कुल जो मेरी ग्रिप है गाइस मेरे शोल्डर के बिल्कुल सामने आ रही है गाइस, तो हमें इस जगह ही ग्रिप पकड़नी है। और ये मेरा हाथ है गाइस, अब मैं आप लोगों को ये उठा के दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों इस टाइप से बिल्कुल सीध रखना है। और ये देखो दोस्तों मेरी बारबेल कहाँ पर आ रखी है, इस पोजीशन में आपको अपनी बारबेल रखनी है। आप क्लोज करके दिखाना सागर थोड़ा, इस टाइप से आपको अपनी बारबेल रखनी है इस पोजीशन में ऐसे, और पीछे से दिखा दो देखो कलाई भी नहीं मुड़ी है, और इस टाइप से आपको कलाई रखनी है बिल्कुल स्ट्रेट गाइस, ठीक है। और जब गाइस अगर, और मैं एक और चीज़ बता दूं गाइस, तो दोस्तों जब आप लोग बेंच प्रेस करोगे तो आपके हाथ में बता दूं गाइस आपके आर्म्स कैसे होने चाहिए, एक बार सागर क्लोज आना ऊपर से, जब आप गाइस इस टाइप से आप लोगों ने अपनी रॉड पकड़ी होगी, जब आप लोग लाओगे नीचे तो आपके हाथ इस पोजीशन में नहीं जाने चाहिए दोस्तों, ऐसे नहीं जाने चाहिए, आपकी जब हाथ ऐसे है तो इस टाइप से जाना चाहिए, इस टाइप से मतलब वी शेप बनना चाहिए इस टाइप से, एक बार ऊपर से दिखा देना, यहाँ पर, यहाँ पर इस पोजीशन में आना चाहिए आपके हाथ इस टाइप से। और गाइस जब आप लोग नीचे लाओगे ना रॉड को तो आपको सांस लेनी है उस टाइम, और जब ऊपर ले जाओगे तो सांस छोड़नी है, तो ये कॉम्बिनेशन रखना है गाइस आप लोगों को अपनी सांस का। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ,
पोस्चर दिखाना साइड से, तो इस टाइप से गाइस आप लोगों को अपनी बेंच प्रेस करनी है। तो आप लोगों ने अभी देख लिया कि आपको पोस्चर कैसे रखना है, आपके हैंड कैसे होने चाहिए, आपकी ग्रिप कैसे होनी चाहिए दोस्तों। तो ये था गाइस स्ट्रेट वाला बेंच प्रेस। तो आपको मैं बता दूं, ऐसे ही हम लोगों को 3 बेंच प्रेस करने हैं, एक ये स्ट्रेट, इंक्लाइन और डिक्लाइन। और गाइस जब आप लोग चेस्ट वर्कआउट कर रहे होंगे तो ग्रेजुअली आप लोगों को वेट इंक्रीज करना है। जैसे आप लोग अगर शुरू में 2.5 का वेट डाल रहे हो, 2.5 केजी का, 2.5 केजी का, तो उसके बाद 5 केजी लेना है, 7.5 केजी लेना है। तो ऐसे ग्रेजुअली आप लोगों को क्या करना है, वेट इंक्रीज करना है। और आप लोगों को गाइस 4 सेट करने हैं गाइस, मतलब पहला 2.5 का, फिर 5 का, फिर 7.5 का, फिर 10 का। इस टाइप से आप लोगों को ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करना है। लाइकवाइज गाइस, जैसे ही आप लोगों ने वो स्ट्रेट वाला बेंच प्रेस देखा गाइस, सेम पोस्चर हम लोगों को इसमें भी रखना है और इस टाइप से ही इसमें भी बेंच प्रेस करना है गाइस। हम लोगों का पोस्चर सेम वैसा ही होना चाहिए, बीच में गैप मेंटेन होना चाहिए और हमारी रॉड यहाँ से यहाँ पर आएगी दोस्तों। तो सेम लाइकवाइज वही सेम हमें वैसा ही पोस्चर रखना है यहाँ पर, ऐसे इस टाइप से दोस्तों। तो एक बात बता दूं गाइस, स्ट्रेट वाली जो बेंच प्रेस होती है गाइस वो हमारी मिडिल चेस्ट के लिए होती है, और जो इंक्लाइन वाली होती है गाइस वो अपर चेस्ट के लिए, और वो जो डिक्लाइन वाली है गाइस वो होती है हमारी लोअर चेस्ट के लिए। तो ये अभी हम लोगों ने अपनी मिडिल चेस्ट कंप्लीट की थी और ये है हमारी अपर चेस्ट। आज गाइस मेरा चेस्ट वर्कआउट है नहीं, तो आज मैं ये चीज़ कर नहीं रहा हूँ। कल हम लोगों का चेस्ट वर्कआउट निकल गया था, तो आप लोगों को बस एक आइडिया दे दे रहा हूं दोस्तों इस चीज के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि लोअर चेस्ट के लिए हम लोग डिक्लाइन वाली कैसे करते हैं। इसमें भी दोस्तों आप लोगों को किस इस टाइप से बैठना है और सेम पोस्चर जो हमने गैप मेंटेन किया था गाइस वैसे ही रखना है, सेम पोस्चर, सेम पोस्चर इस टाइप से रखना है दोस्तों, ऐसे। और सेम बारबेल को वैसे ही पकड़ना है जैसे पकड़ना था दोस्तों, जैसे पकड़ते हैं हम लोग, और वही उसी सांस के साथ गाइस, उसी के साथ, सेम उसी पोस्चर के साथ करना है दोस्तों जैसे अभी किया था। तो ये थी गाइस हमारी डिक्लाइन वाली एक्सरसाइज थी गाइस। तो अगर ये करने के बाद अभी जो मैंने आप लोगों को गाइस बताया था कि जो हमें वी शेप रखनी होती है वो हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि हमारी शोल्डर में इंजरी ना हो, और कलाई स्ट्रेट इसलिए रखते हैं गाइस ताकि हमारी कलाई में भी कोई स्ट्रेस ना है। तो ये सब इंजरी को देखते हुए हम लोग ये सारी एक्सरसाइज करते हैं गाइस, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं गाइस, बहुत गलत टेक्निक का यूज करते हैं और वो लोग इंजरी करा लेते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए ये वाली वीडियो बहुत सही होने वाली है गाइस। तो जो जितने भी बिगिनर्स हैं या फिर जितने भी जिम में जाने वाले हैं या फिर जिम में जाने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत सही होने वाली है। तो ये वाली वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर देना दोस्तों, और जो भी जिम करना चाहता है या फिर अभी जिम ज्वाइन करना चाहता है उन लोगों के साथ भी शेयर कर देना। अभी आप लोगों ने गाइस तीनों बेंच प्रेस देख लिया कि कैसे करना है। 3 बेंच प्रेस करने के बाद गाइस हम लोग इस मशीन में हम लोग अपनी चेस्ट की कंडीशनिंग करने वाले हैं। तो कुछ इस टाइप से गाइस यहां पर भी सेम वैसा ही पोस्चर रखना है। सागर थोड़ा इस साइड से दिखाना, सेम हम लोगों को वैसे ही पोस्चर रखना है इस टाइप से। आपके ग्लूट्स पीछे चिपके होने चाहिए गाइस, और आपकी जो बैक है वो ऐसे चिपके होने चाहिए, और बीच में गैप मेंटेन होना चाहिए गाइस। सेम वैसे ही रखना है और इस टाइप से। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों आप लोगों को,
जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे होगे तो उस टाइम आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने माइंड और उस जगह की जो मसल को आप लोग ट्रेन कर रहे हो गाइस उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है, ताकि और कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। और जैसे भी कई लोग जिम में बात करने लगते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करना है, खाली जितना भी फोकस है ना गाइस हम लोगों को उसी मसल में देना है जिस मसल को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने पूरे सारे वर्कआउट देख लिया गाइस, और अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आए गाइस तो आप लोग मेरी इंस्टा में मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना, आप लोग मेरे को वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, मैं आईडी अपनी स्क्रीन में दे दे रहा हूँ। और अगर आज की वीडियो गाइस आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब, सो दैट और गाइस बेल आइकन जरूर दबा लेना यार, ताकि जो भी मैं अगली वीडियो डालूंगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक और बात दोस्तों, मैं इस वाली जो प्लेलिस्ट है गाइस, ये वाली जो सीरीज चल रही है गाइस, इसमें मैं सारे वर्कआउट डालने वाला हूँ और सारी की सारी चीज बताने वाला हूँ कि कौन सा वर्कआउट कैसे करना है। तो ठीक है गाइस, अभी हम लोगों के ये वाला वीडियो एंड करने का टाइम हो गया, तो एंड करते हैं यहीं पर। तो राइट सेफ राइट हार्ड, साइनिंग ऑफ टू वेल साइड, बाय बाय। आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी सी नॉलेज वाली होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बेंच प्रेस की जो एक्चुअल में हम लोग, मैं वर्ड भूल गया यार, एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं, करेक्ट पोस्चर